तो ये रहा वो झरना गाइस, रेनबो। तो गाइस ये है अभी पुल, नीचे जा रही है यमुना रिवर। तो ये रहा यमुनोत्री, तो यहाँ से आगे से रास्ता ऊपर। राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में ना हम जा रहे हैं यमुनोत्री, और ये ऑल ऑफ सडन वाला प्लान था। मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि हम जाएंगे सुबह तक, हमें पता नहीं था, बट ये अभी अचानक से बन गया है। तो हम फटाफट सोच के रेडी, मतलब अभी तो पहले टी शर्ट पहन रखी है क्योंकि यहाँ गर्मी है, बट ऊपर ठंडा जरूर होगा, तो मैंने हुडी वगैरह डाल रखा है। तो फटाफट से निकलते हैं बिना देरी करे हुए, क्योंकि अभी बज रहे हैं 3 और हमें ना रात होने से पहले पहले वहाँ पहुँचना है। मतलब 8-9 बजे तक ही हम पहुँचेंगे वहाँ पे। तो चलो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से, मिलता हूँ आपको आगे रास्ते में। तो फिर चलो, इस गाड़ी में तेल तो डला लिया, अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। चलो बैठते हैं गाड़ी में। ये बारू और गोली को पहले बैठा रहेगा रखी भाई हाथ मारे। तो चलो अब निकलते हैं, रिशु को उठाते हैं रास्ते से। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कड़ा पत्थर, और यहाँ से उठाना है हमने रिशु को। वो खड़ा हुआ वहाँ पे, नहीं वो रहा, हमारा इंतजार कर रहा है यहाँ पे। चलो ठीक है, बाय बाय। गोरी बिस्तर कहाँ लेके चल रहा है? तो ये रहा, ये ले, इसे बोल डिक्की में डाल देगी, डिक्की में डाल दे, ये भी डाल दे। गाइस अपनी बल्टन पूरी बैठ चुकी है, अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। ये पूरा जंगल वाला रास्ता है। तब देखो घोड़ों की पूरी बारात। गाइस ऑलमोस्ट अब शाम तो हो ही चुकी है। वो कितने बजी है? 4 बजी है। हमें आधा घंटा हो चुका है निकल के, तो हम और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पहुंच सके, पर पीछे इनकी फालतूगिरी चल रही तीनों की। तो चलो हम जल्दी से जल्दी पहले नैनबाग पहुंचते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके थे अभी, और यहाँ पे झरना देखो, मैं आपको उतर के दिखाता हूँ जरा। ये थोड़ा सा टूरिस्ट आ रखे हैं यहाँ पे हमारी जगह पे, इन्हें भगाता हूँ मैं यहाँ से। चलो गाइस इन्हें भगाते हैं, कपड़ा उतारो खुद ही भाग लिए। चलो आओ बाहर। ये ना बहुत पुराना झरना है और काफी बड़ा भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, तो ये रहा वो झरना, और इसके छिट्टे यहाँ तक आ रहे रिशु पे, वहाँ पे खड़े हो रखे लोग, और रेनबो भी दिख रहा भाई इसमें। तो ये देखो गाइस रेनबो, और ये जबकि छोटा सा है, मतलब इसमें इतना भी छोटा नहीं है, ऑलमोस्ट 100 फीट ऊपर है ये। तो चलो अभी यहाँ पे इनके कुछ फोटोज वगैरह खींच देते हैं। और रेनबो क्या ही मस्त लग रहा है यार। और यहाँ से नीचे है पूरा खाड़ा, मतलब हम अपनी लैंग्वेज में खाड़ा बोलते हैं इसको, खाई को। और यहाँ से सीधा नीचे नदी पर जाता है यमुना रिवर पे। तो चलो यहाँ पे थोड़े से इनके फोटोज़ खींचते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से फटाफट। तो गाइस चलते हैं, अब इनके फोटोज़ वगैरह खींच लिए थे, तो ये भी आ रखे थे यहाँ पे फोटोज़ खिंचाने के लिए, और निकलते हैं अब यहाँ से। तो गाइस ये है अभी पुल, नीचे जा रही है यमुना रिवर। यहाँ की मच्छी बहुत फेमस है। दोबारा बोल, कहाँ की मच्छी फेमस है? कहाँ की मच्छी फेमस है? यहाँ की मच्छी बहुत फेमस है, मच्छी खाने वाले यहीं आओ। गाइस अभी पहुंच गए हम नैनबाग, तो अभी जाते हैं हम नानी के घर पे। यहाँ पे मेरे ऊपर नानी का घर है। ये रहा पूरा नैनबाग, आगे से और अच्छे से दिखेगा, मतलब ऊपर से ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको। तुम भाई तुम लोग यहीं वेट करो, ठीक है, हम आते हैं ज़रा। तो ये नानी के लिए मैं जूस वगैरह लेके आया था, 2 बॉटल ना, तो मैर गुल्ली दे के आते हैं नानी को फटाफट से। और ऊपर जो पहाड़ दिख रहा है आपको, टॉप चोटी वाला, मतलब वहाँ तक रोड जाती है। ये नानी ने इधर लहसुन या अदरक लगा रखी, ये इनके पेड़ है नीचे। ये भी हमारी नानी। नमस्ते मामी जी, नमस्ते। बस आ गया मैसेज आता है, चला बताओ है, बता कहाँ से आए? विकास नगर से, कहाँ से आना था? बोले तू जूस पीने की, कहाँ खान बोल, मैं खान खान बोल। नमस्ते, कौन करेगा बे? अभी कर, वीडियो नहीं बनी थी तब, अब करना ही होती है। ये है मेरा नैनबाग, मतलब बचपन मेरा यहीं बिता है।
हाँ कल ही वापिस आ जाएंगे। दो तीन दिन बट रहे हैं। और कहाँ से जाएंगे, यहाँ मटी नहीं जाने होंगे। ये रही नीचे नदी, सूरज ढलने को रहा। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं फिर फटाफट से। नानी से मिल के आ गए हम, अब चलते हैं वापस। ये क्या कर रहा है ये, मैं किसको दूंगा? नीचे चल रहे, किसको दूंगा? तो चलो निकलते हैं फटाफट से, क्योंकि ऑलमोस्ट 5:30 बज चुके हैं और ये तीनों खड़े हुए नीचे। दिन का मेरा मौका है। <वहाँ पे। laughs> ये पागल सा हो गया। अरे पहले बांग रखी हुई यहाँ पे। बांग की पेड़ है। चलो गाइस बैठो बैठो गाड़ी में बैठो। तो क्या कर रहे तुम? सैंड भाई आप करोगे तुम उल्टी कसम से। तो ये रही यमुना रिवर। तो चलो गाइस बैठो गाड़ी में, लेट्स गो। रिसो ने यहाँ पे ना गाड़ी में सैंड छिड़क दिया, सबका उल्टी वाला मन हो जाएगा। अरे यहाँ पानी आगे बहुत है। और अगर आप गंगोत्री वगैरह जा रहे हो ना, तो ये वाला रूट लेना ना, ऊपर वाला, ये आपको बहुत शॉर्टकट पड़ेगा। और ये है इनका मेन मार्केट, मतलब छोटा सा मार्केट है, पर नैनबाग बसा बहुत, ये टाउन बसा बहुत बड़े एरिया में है। पहुंच चुके थे डाबता, यहाँ पे थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि इनको भूख बहुत लग रही। तो चलो चलते हैं अंदर। बताओ इन्हें समोसे खाने थे। अच्छा चाय चुई पी के फिर निकलते हैं आगे की तरफ को। आज चाय, तो गाइस ये आ गई हमारी चाय, साथ में आई है पकोड़े। रुक जाओ रुक जाओ, पकौड़ियाँ भी आ रही हैं, पहले मत पीने लग जाना। ये पहले पीने लग गया, फिर बोलोगे पकौड़ी के साथ एक और चाय मंगाओ। तो गाइस ये आ गई हमारी पकौड़ियाँ भी। ये है गर्मा गर्म आलू की पकौड़ियाँ। चलो फटाफट से ना खाते हैं फिर निकलते आगे की तरफ। ए आराम आराम से खाना, सारी ने खा जाना तुम। इन बुक्कों का कुछ नहीं पता, वह एंकर की सारी खत्म करके बैठ जाएंगे। चलो बे बर्तन धोने कौन जा रहा बताओ तुम में से। तो चलो भाई चलते हैं अब यहाँ से। अब हम आपको सीधा मिलेंगे जानकी पट्टी में, क्योंकि रात होने वाली है, तो फटाफट पहुँचते हैं वहाँ पे। बैठिए भाई तुम तीनों। तो चलो गाइस चलते हैं, आपको सीधा मिलते हैं हम जानकी चट्टी पे। गोलियां रिसे जा रहे हैं वहाँ पे पानी भरने के लिए। ये तो फ्रेश वाटर और एकदम चिल्ड वाटर है। चिल्ड पानी है भाई, बिना कहेंगे नहीं। तो ये लेके आ गए, और अभी इधर ना पूरी रात भी होने लगी, 6:30 बजे है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट अभी भी है 1.5 घंटा और लगेगा हमें। और वो रही गाइस नीचे यमुना रिवर, आवाज़ ना यहाँ तक आ रही इसकी। और वो है उस तरफ लाखा मंडल, जहाँ पे पांडव और गए थे। ये देखो गाइस बाहर वाले आते हैं और यहाँ पे ये सब करके चले जाते हैं। ये रिशु भी आएगा अभी। ये सब ना रिशु के दोस्त आते हैं ऐसे। रिशु अपने दोस्तों को समझा दे, अपने दोस्तों को तू। तो चलो निकलते हैं यहाँ से आगे। तो गाइस अब पहुंच चुके हैं हम बरकोट, और ये है बरकोट का मार्केट। रास्ते पे आपको मतलब हर जगह, मतलब एक के बाद एक ना इतने सारे रिजॉर्ट मिल जाएंगे, मतलब आपको टेंशन फ्री है वैसे, अगर आपको यहाँ पे कहीं भी रुक सकते हो। आगे रोड देखो, अब मेरे को एक पल के लिए लगा था ढलान आ गई और नीचे खाई। तो हमें संभाल के चलाना पड़ेगा यहाँ से। ये देखो ये सारी सारी बुकिंग वाली वैन, ये सब वहाँ से घूम के आ रही यमुनोत्री से। सबके लाइसेंस काटे हुए आज। यहाँ की रोड ही खत्म नहीं हो रही, पूरी खराब रोड, साइड में देखो पूरे पहाड़ गिर रखे। और एक तो हमारी ये सिडान गाड़ी है ना, तो नीचे भी लगती रहती है इसमें। तो गाइस अभी हम यहाँ पे रुक गए थे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आपको, मतलब बताना पड़ता है। तो चलो निकलते हैं यहाँ से आगे। पहुंच चुके हैं जानकी चट्टी पे, मिल गया हमें खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ से ऊपर ले जानी पड़ेगी गाड़ी। उतरो फटाफट, ये देखो ये सब जैकेट जुकेट पहन के मेरे शेर। और मैं अभी भी टी शर्ट में घूम रहा। तो
गाइस गाड़ी लगा दी है, अब चलते हैं अंदर खाना खाने के लिए। तो चलो चलते हैं अंदर। तुम्हें लग रही ठंड, शेर हो ऐसे शेर भूख के आ रहे तब से लेके मेन्यू लगा हुआ जो जो आपको चाहिए होगा, आलू गोभी वगैरह जो सब कुछ सबके लिए। तो चलो खाने का वेट करते पहले। रिशु तो मूली पराठा खाएगा, सड़ा देंगे गाड़ी इसको, गिला मारू को, इससे ज्यादा जरूरत है। ये बोलेगा शेर से कदम नहीं, मतलब यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें खा सकते हो, बहुत वैरायटी है। तो गाइस आ गया हमारा खाना। तो गाइस शुरू करते हैं, ये छोले आलू की सब्जी, चार रोटी गर्मा गर्म अभी अभी बनाई भाई जी। तो इन्हें देखो ये तो पहले बैठे, बेचारों को भूख बहुत लग रही है, शेरों को रहते। क्या क्या बोल रहा है? तो चलो गाइस इसे खाना शुरू करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। मेरे शेरों को भूख देखो कितनी लग रही है। देखो पहले ही आ गए यहाँ पे हाथ धोने के लिए, बताओ छोले खा रहे छोले। चलो गाइस हाथ वगैरह तो धो लिए, तो चलो गाइस अब चलते हैं रूम में। तो ये रहा यमुनोत्री, तो यहाँ से आगे से रास्ता ऊपर के लिए, और यहाँ से ना आपको शायद आवाज़ भी आ रही होगी नदी की, यहाँ से भी दिख ही रहा छत ही है। तो देखो बाकी सारे टूरिस्ट भी आ रहे, गाड़ी दिख रही कितने सारी। तो ये है हमारा रूम, तो हमने लिया है डबल बेड वाला, क्योंकि हम पाँच लोग हैं तो तीन उधर सो जाएंगे दो इधर सो जाएंगे। और ये है बाथरूम, इंग्लिश सीट है अच्छी बात है। और ये ना शीशा रिजू दो रहा था यहाँ पे मुंह, यहाँ पे पानी खत्म हो गया। वो बोले लेटरिंग वाला वो आ रहा होगा उसमें से हो जाएगा। का यूज करना पड़ रहा बेचारे का पानी। तो चलो अब तो पड़ जाते हैं भाई सीधा बैठ रहे, क्योंकि हमें लग रही ठंड। बाल बुल भी देखो बिल्कुल ही करली घूम रखे अभी, क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी निकलना पड़ेगा, तो अब सो जाते हैं फटाफट से। ये खड़ी नीचे अपनी गाड़ी, अब बाकी नज़ारा आपको सुबह ही दिखेगा। तो चलो गाइस ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त, हम मिलते हैं आपसे कल सुबह, क्योंकि अब रात भी हो चुकी है और मैं थक भी बहुत चुका हूँ गाड़ी चला के। तो अब जाके थोड़ा सा आराम करते हैं और हम मिलते हैं आपसे कल सुबह ट्रैक पे।